तुम्हारे सामने इतनी चीजें हैं, उनको भी गौर से देख पाते हो? जो स्थूल है, प्रत्यक्ष है, वो भी दिखता है? मुझे ये कागज डरा रहा हो। तो मैं कागज को देखूं या सांस को देखूं अपनी? डर तुम्हारा कहाँ है? भूत तुम्हारे कहाँ है? भ्रम तुम्हारे कहाँ है? और तुम देखने की कोशिश कर रहे हो सांस को, क्यों भाई? और कुछ नहीं है देखने के लिए? और मैंने कहा सांस को क्यों देख रहे हो, सांस में कोई तकलीफ है? तो तुम कहते हो नहीं, विचारों को देखूंगा। विचार सूक्ष्म है। पहले ये बताओ, स्थूल को देख लिया, जिसको देखना सहज है और आसान है? तुम्हारा कमरा गंदा पड़ा है, तुम्हें वो गंदगी नहीं दिखाई पड़ रही। तुम क्या कह रहे हो, मैं तो मन की गंदगी देखूंगा, मैं तो विचारों का उठना और गिरना देखूंगा। जो नाक के नीचे है, जो आंख के सामने है, वो तो देखा नहीं। तुम क्या देखना चाहते हो? मैं अपने सूक्ष्म विचार देखूंगा। कोई कह रहा है मैं हृदय की धड़कन पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, यानी दिल की बीमारी होगी। क्यों अपने आप को क्यों बहला फुसला रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जीवन में वास्तविक समस्या क्या है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जीवन में उपद्रव वास्तव में कहाँ है? उसका सीधे सीधे सामना क्यों नहीं करते? ये तुमने छुपने के, भागने के, पलायन के छद्म उपाय क्या ढूंढ लिए हैं? बोलो। आचार्य जी, बुद्ध की विपस्सना तो कोई मतलब तुम ही अपनी नहीं। बात करो, तुम्हें अपनी बात करो ना। तुम्हें क्या पता बुद्ध कौन थे? तुम्हें क्या पता बुद्ध पहुंचे भी थे कि नहीं? जब तुम अभी पहुंचे नहीं, तो तुम्हें क्या पता पहुंचने जैसा कुछ होता भी है या नहीं? तुम्हारे लिए तो अगर कुछ प्रामाणिक है, तो वो तुम्हारा कष्ट और तुम्हारी दिन प्रतिदिन की वेदना है। ठीक, एक वही चीज है जिसके बारे में तुम कह सकते हो ये तो है ही, क्योंकि मैं इसका रोज अनुभव करता हूं। बाकी सब तो सुनी सुनाई बात, तुम्हें क्या पता? तुम अपना जीवन बताओ ना। ध्यान का अर्थ होता है उचित ध्येय बनाना, और उचित ध्येय सिर्फ तब बनेगा जब ध्याता अपना पुराना रूप बचाए रखने पर तुला ना हो। अगर ध्याता जिद पर है कि मैं तो वही रहूंगा जो मैं हूं, तो वो ध्येय कैसा चुनेगा? ऐसा ही ध्येय चुनेगा ना जो उसको सुरक्षित रखे, संरक्षित रखे। मक्खी अगर ध्याता हो तो ध्येय सदा क्या होगा? शक्कर। ध्यान तो तब भी है, जहां ध्येय है वहां ध्यान है। प्रश्न यह है कि तुमने किसको ध्येय बना लिया? ईमानदारी नहीं है तुम में अगर, तो तुम ध्येय वो नहीं चुनोगे जो तुम्हें मिटा दे, तुम ध्येय वो चुनोगे जो तुम्हें सुरक्षित रखे। और ध्यान तो तब भी है, जहां ज्ञाता है और ज्ञेय है वहां ज्ञान है, और जहां ध्याता है और ध्येय है वहां ध्यान है। ध्यानी तो सभी हैं, प्रश्न यह है कि ध्येय किसको बनाया?
ऐसा कोई नहीं है जो ध्यानी न हो इस अखिल विश्व में, सब ध्यानी है, अंतर बस ध्येय में है। जब तुम डरे होते हो तो तुम्हारा एक ही ध्येय होता है, बचना, किसी तरह बच जाऊं। और जब तुम डरे नहीं होते तो तुम खुले होते हो, तुम मिटने को तैयार होते हो। जब तुम मिटने को तैयार होते हो तब परम ध्येय ध्याता में स्थापित हो गया, या तब ध्याता परम ध्येय में स्थापित हो गया। क्योंकि परमात्मा ध्येय तो हो भी नहीं सकता, ध्येय तो कोई तुम्हारे जैसी ही छोटी चीज हो सकती है, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई विचार, ये ध्येय हो सकता है और वो ध्येय हो सकता है और वो ध्येय हो सकता है, जो न ये है न वो है, न कुछ है न ना कुछ है, वो ध्येय कैसे हो जाएगा तुम्हारा। सत्य ध्येय तभी हुआ जब ध्याता सत्य में स्थापित हो गया, और सत्य में स्थापित होने का मतलब होता है अपनी पुरानी अकड़ पकड़ पहचान छोड़ना। न तुम अकड़ छोड़ते न तुम पकड़ छोड़ते, तो ध्यान तो तुम निश्चित लगाओगे पर ध्येय तुम्हारे जैसी ही कोई वो छोटी चीज होगी। कभी सांस पकड़ लोगे, कभी कुछ पकड़ लोगे, कहोगे ध्यान लगा रहा हूं। ध्यान उस पर लगाया जाता है जो उच्चतम हो। तुम्हारी सांस उच्चतम है क्या? ध्येय सदा किसको बनाना है? जो ऊंचे से ऊंचा हो वो ध्येय होता है, उस पर ध्यान लगाते हैं। मात्र सत्य पर ही ध्यान लगाया जा सकता है। तुम क्यों दूसरी तीसरी पांचवी चीजों पर ध्यान लगाते हो? लोग मिलते हैं, कोई कहता मैं प्रकाश पर ध्यान लगाता हूं, और उसमें भी कई वर्ग हैं। एक कहते हैं मैं नीले प्रकाश पर ध्यान लगाता हूं, एक कहते हैं मैं हरे प्रकाश पर ध्यान लगाता हूं, एक को सफेद, एक को गेरुआ प्रकाश आता है। कहे भाई और कुछ नहीं मिला लक्ष्य बनाने के लिए? तरह तरह की रंग बिरंगी रोशनियां लक्ष्य है तुम्हारा, बच्चे हो तुम, फुलझड़ी चाहिए। यही अगर ध्यान है तो अनारदाना जला लो, हो गया ध्यान। कोई कहता है नहीं हम तो ध्यान लगा रहे हैं तरह तरह की आवाजों पर, झुनझुना चाहिए। एक आए बोले ना हम अनहद नाद पर ध्यान लगाते हैं, हमारे भीतर ओम गूंजता है। हम बोले वो जो ओम गूंजता है वो किसकी आवाज में होता है, पुरुष की कि स्त्री की? अब फंस गए, क्योंकि अगर आवाज है तो या तो पुरुष की होगी या स्त्री की होगी। चुप रहे तो मैं बोला गाय रंभाती है क्या? अब तुम जानते हो कि फंस गए हो, इसीलिए जवाब नहीं दे रहे हो। और अगर आवाज पुरुष की है कि स्त्री की है तो फिर तो पार्थिव हुई ना, लौकिक हुई ना, तुम क्यों उसको अनहद बोल रहे हो? ध्यान का अर्थ होता है कि मैं सत्य में डूब कर जीवन को देखूं, संसार को देखूं। जब परमात्मा ध्येय होता है तो ध्येय गौण हो जाता है। बात ये जरा महीन है, इसको समझना। परमात्मा जब ध्येय हुआ तो परमात्मा तो कुछ है नहीं, किसको ध्येय बनाओगे? अब सब कुछ ध्येय हो सकता है। अगर मैं कहूं कि मेरा ध्येय है ये देना, मैं कहूं कि मेरा ध्येय ये है, तो फिर मैं इसके अलावा किसी भी चीज पर केंद्रित नहीं हो सकता ना। बोलो, इसको ध्येय बना लिया तो अब यही भर लक्ष्य हो सकता है, फिर मैं ना इस पर ध्यान रख सकता हूं, ना उस पर, ना उस पर, कहीं नहीं। परमात्मा क्या ये है? परमात्मा ये तो है नहीं। तो अगर परमात्मा ये नहीं है तो फिर मुझे कोई वर्जना भी नहीं है ना। मैं इस पर भी देख सकता हूं, उस पर भी देख सकता हूं। इसको अगर ध्येय बनाया तो वर्जना हो गई। क्या वर्जना हो गई? इसके बाहर कहीं मत देखना। अगर इसको लक्ष्य बनाया तो वर्जना हो गई ना।
क्या वर्जना हो गई कि इसके बाहर कहीं मत देखना। पर अगर परमात्मा को लक्ष्य बनाया तो कोई वर्जना हुई? अब पूरे संसार को देख सकते हो। अब शर्त बस एक है कि परमात्मा होकर देखना। ध्येय कुछ भी हो सकता है, ध्याता अब कुछ भी नहीं हो सकता। ध्याता को सत्य होना पड़ेगा, ध्याता को परमात्मा होना पड़ेगा। अब ध्येय की बात करना छोड़ो, अब ध्यान सार्थक तब है जब तुम बदलो। बात यह नहीं है कि तुम कहां देख रहे हो, अब बात यह है कि कौन देख रहा है। तुम बदले कि नहीं बदले, तुम बदलो और उसके बाद खुल के जीवन को देखो। इसका अर्थ है कि ध्यान कोई बंद कमरे में की जाने वाली घंटे भर की प्रक्रिया नहीं हो सकती। घंटे भर की प्रक्रिया में तो निश्चित तुमने कोई सीमित लक्ष्य रखा होगा, तभी वो घंटे भर में पूरा हो रहा है। परमात्मा पूरा हो गया घंटे भर में, परमात्मा हो जाएगा घंटे भर में पूरा? हाँ, कोई सीमित चीज होगी तो हो जाएगी घंटे भर में पूरी। घंटे भर तक ध्यान को सीमित रखना माने वर्जना फैलाना। क्या वर्जित किया है तुमने कि इस घंटे कुछ और नहीं होगा और बाकी 23 घंटे ध्यान नहीं होगा? परमात्मा के साथ तो वर्जना चलती नहीं। असली ध्यान तब है जब तुम निरंतर संकल्पित रहो, समर्पित रहो कि सच्चा रहना है, डरा नहीं रहना, साफ आंखों से देखना है। और क्या देखना है? कुछ भी देखना है, वर्जना कुछ नहीं है। जो जी रहे हैं वही देखेंगे, बस साफ आंखों से देखेंगे। सिर्फ इसको ध्यान कहते हैं, बाकी सब छल धोखा झूठ है। साफ आंखों से अपनी जिंदगी को देखूंगा, इसके अतिरिक्त ध्यान का कोई अर्थ नहीं। कैसी जिंदगी को? वो जिंदगी जो मैं रोज जी रहा हूं, कोई खास जिंदगी नहीं। मेरे सपने, मेरे इरादे, मेरी आशाएं, मेरे डर, मेरी चिंताएं, मेरी खुशियां, मेरे आकर्षण, मेरे मोह, मेरी वृत्तियां, मेरे विचार, मैं इन्हीं के प्रति जागरूक रहूंगा। यही ध्यान है। ध्यान या तो सतत है या फिर छल। घंटे भर वाला ध्यान ध्यान नहीं होता। घंटे भर व्यायाम हो सकता है, ध्यान नहीं। अजय जी, इन सब पे भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाए तो कौन सी दुनिया रुक रही है? तो क्या मतलब कुछ बदल रहा है? इन सब मत ध्यान रखो। तुम मौज में हो तो किसी चीज की फिक्र मत करो। तुम मौज में हो अगर तो किसी चीज की फिक्र ना करो, पर तुम्हारा चेहरा गवाही नहीं देता कि तुम मौज में हो। जो मौज में ना हो वो फिक्र करे। अरे तुम स्वस्थ हो, भीतर से स्वास्थ्य फूटा पड़ रहा है, तो क्या आवश्यकता है कि तुम जाओ और रक्तचाप जांचो, कि वजन जांचो, कि खून की जांच कराओ, कि थूक की जांच कराओ? जरूरत है, पर गिरे पड़ रहे हो, चोटी चोट है, पागलों जैसी बातें करते हो, कुछ याद नहीं रहता। खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, और कभी पिए ही जाते हो, तो तुम्हें तो अपनी जांच करानी होगी और प्रतिक्षण जागरूक रहना होगा कि भाई नाड़ी चल भी रही है या गई। Thank you.
आचार्य जी, जैसे अध्यात्म की हम शुरुआत करते हैं, अध्यात्म यात्रा की, सबसे पहले ध्यान ही आता है, होश में रहने में भी वही आता है, और सबसे पहले ध्यान के बाद कुछ बचता है क्या आने के लिए? ध्यान ही सब कुछ है, पर असली ध्यान लगाओ ना, तुम ध्यान के नाम पर कलाबाजियां दिखाओगे तो उससे लाभ थोड़ा ही होगा। कल एक आई, बोली कि मेरे गुरुदेव हैं, वो पहले बच्चों को अंग्रेजी बोलना सिखाते थे, आजकल वो योग और ध्यान सिखाते हैं। तो उन्होंने बताया है मुझको कि जब मैं ध्यान में बैठूं तो मेरे ऊपर कॉस्मिक एनर्जी की वर्षा होगी। तो बोली वो होती है मेरे ऊपर, अब दिक्कत ये कि मुझे उसकी लत लग गई है, तो मैं क्या करूं? ध्यान के नाम पे तुम कुछ भी कर सकते हो ना, भरोसा क्या है? और चूंकि ध्यान वस्तु नहीं है, चीज नहीं है, और उसको स्थूल तौर पर प्रमाणित नहीं किया जा सकता, इसीलिए कोई भी खड़ा होकर कह सकता है कि मैं ध्यान सिखाऊंगा। शर्त बस एक है कि उसे वो सब बातें करनी होंगी जिनका कोई प्रमाण ना हो, क्योंकि अगर प्रमाण है तो वो आदमी झूठा साबित हो जाएगा। तो यही सब बातें करो जो सिद्ध हो ही ना सकती हो। भीतर फब्बारा उठेगा, दिमाग में गूंज उठेगी, आसमान से अदृश्य किरणों की सघन वर्षा होगी। हाँ, हुई। गुरुजी ने पूछा, बेटा जो सुना नहीं जा सकता वो सुनाई दिया ना? और चेला बोला, हो हुकुम, बिल्कुल सुनाई दिया। मामा भांजाई की कथा सुनी है ना, मामा भांजा दोनों टुन, मामा भांजा दोनों टुन और घूम रहे राजस्थान में रेत पे। मामा बोले, अभी अभी सुनाई दिया है कि गंगा का बांध टूटा है। भांजा बोला, मामा मेरे पे तो छींटे भी आके पड़े। जब टुन और टुन का रिश्ता हो तो कुछ भी टुनटुन आ सकता है। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दांव, दोनों बूढ़े बापुरे छड़ पाथर की नाव। ये सुनवा रहे हैं और उनको सुनाई भी दे रहा है, और आसमान से वर्षा हो रही है कॉस्मिक एनर्जी की। कभी कभी एनर्जी मुझ में ऐसी भर जाती है, ऐसी भर जाती है कि मुझे लगता है मैं फट जाऊंगी। मैंने कहा, पखाने की ओर भागा करिए तब, वो कोई और दबाव है, आप व्यर्थ में प्रदूषण बढ़ाएंगी। अभी तो बड़ी समस्या हो गई, अगर सांस नहीं देखनी तो जिंदगी देखनी पड़ेगी, और जिंदगी देखने में कष्ट होता है ना, कष्ट होता है ना? सांस देखना तो सुविधापूर्ण है,
आंख बंद कर लो, सांस देखो। खास तौर पे जब बीवी चिल्लाती हो तो आंख बंद कर लो और सांस देखो। सांस तुम्हें आंखें बंद करने की नहीं, आंखें खोलने की जरूरत है। हर वो चीज छोड़ दो जो तुम्हारी आंखें बंद कराती है। आंखों को पूरा खोलो और हक्का बक्का होकर के अपने जीवन को देखो और पूछो, ऐसे जीना है? अभी सोमनाथ है, पूछो इसको शिविर में कैसे लाए। इसको बोला यहाँ इस देव नदी में अप्सराएं नृत्य करती हैं, वो अमनदीप है, उसको कैसे लाए? उसको बोला यहाँ हवाई अड्डा है पीछे ही, वहां F-35 उतरते हैं, जो जैसे आए उसको वैसे लाया जाता है। ये तो धोखा हो गया बेचारे की, वो ही उतर गया, बोल रहे ऐसे होता है, झूठी मूठी बोला है, बुद्धू बनाया, दुनिया तुम्हें बुद्धू बना रही थी, तुम बुद्धू के अलावा कुछ बनना ही नहीं जानते। तो गुरुओं के पास भी विकल्प क्या है? तुम्हारा भला भी करना हो तो तुम्हें बुद्धू बनाना पड़ता है।